नमस्कार, मैं हूँ सूरज और टेक्स नंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑक्शन के बारे में कि इंडिया में कहाँ पे नीलामी होती है पुराने नोट और सिक्कों की, और कैसे जो है आप उस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपने पुराने नोट और सिक्कों को ऊँची कीमत पर बेच सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ कि किस कॉइन की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कितने कितने में कौन से कॉइन बिक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड कॉइन्स अभी यहाँ पे, ये सारे कॉइन जो ब्रिटिश टाइम के कॉइन हैं, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे दिखता है। साथ ही यहाँ पे स्टाम्प, ये ILO वाला कॉइन है, ये 2 रुपये का जो सिक्का है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये मोहम्मद रजा के टाइम का है, और ये कुछ दूसरा एंटिक मटेरियल है। यहाँ पे नोट, स्टैम्प, कॉइन्स और कुछ ऐसे मटेरियल जो कि बहुत पहले के हैं वो सेल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आप सेल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी वैल्यूएबल जानकारी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो मतलब ये नीलामी वाले जो कंपनी है, जो ट्रेडर है, ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यह बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको आप उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पुराने नोट और सिक्कों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए, यहाँ पे लाइक के बटन पर क्लिक करके आप लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो कॉइन अभी करंटली नीलामी के लिए चल रही है, यहाँ पे सारे कॉइन्स की डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्शन नंबर 31 पे, तो ये कॉइन का जो वैल्यू है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो अगर कोई भी आदमी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बीट लगाता है तो उसे ये कॉइन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉइन की बात करें अगर हम सुल्तान देली, तो ये कॉइन जो है ये 20,000 से 25,000 के बीच का कॉइन है। तो अगर 20,000 से 25,000 के बीच में कोई आदमी बीट लगाता है तो उसे ये कॉइन मिल जाएगा। साथ ही अगर हम इस कॉइन की बात करें तो ये 50,000 से 60,000 के बीच में है, ठीक है। अगर इस कॉइन की बात की जाए तो ये जो है बंगाल नासिर तीन महमूद के टाइम का कॉइन है, जिसकी वैल्यू 2 लाख से 2 लाख 50 हज़ार के बीच में है। साथ ही अगर बंगाल ज्वाइंट का जो है, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये तुरंत तुरंत स्किप हो जा रहा है शायद, तो इसीलिए। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉइन की बात करें तो यहाँ पे सुल्तान बंगाल्स का जो है नासिरुद्दीन इब्राहिम का, ये 1,25,000 से 1.5 लाख के बीच में है। साथ ही अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉइन्स जो हाईलाइट किए गए हैं, ये एक्चुअली हाईलाइटेड है, ये कॉइन्स बहुत से लोगों के पास है। इस कॉइन की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 लाख से 20 लाख के बीच में है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइस जो है इनका मिल जाएगा। साथ ही अगर यहाँ पे देखें तो कुछ स्टाम्प भी रखे गए हैं। अगर ब्रिटिश इंडिया कॉइन की बात करें तो यहाँ पे 4 लाख से 5 लाख के बीच में है। अगर कोई भी आदमी इस कॉइन की बीट 4 से 5 लाख के बीच में लगाता है तो ये कॉइन जो है उसे दे दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो और भी बहुत सारे कॉइन हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ILO वाला कॉइन की प्राइस जो है यहाँ पे 1.5 से 2 लाख के बीच में है, अगर कोई भी आदमी बीट लगाता है तो। और इस कॉइन की जो है, इस कॉइन की वैल्यू 1,20,000 से बीच में है, ठीक है। साथ ही आपको जो है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर कोई भी आदमी बीट लगाता है तो उसे ये कॉइन दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैसे यहाँ पे अपना कॉइन बेच सकते हैं। तो अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बाय एंड सेल कंसाइन, इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिल जाती है कि कैसे जो है आप अपना कॉइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम अगर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, ऊपर आपको दिख जाएगा छोटा सा कोना में रजिस्टर नाउ का। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा भरने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मांगी गई है, तो इसीलिए मैं
तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि इसमें जो है पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के पास जीएसटी नंबर हो, हालांकि ये जो क्लासिकल नुमिस्मैटिक गैलरी है इसके पास इसका खुद का जीएसटी नंबर है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या आपको मिलता है। दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्ट, ये पेज अभी जो है थोड़ा मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ऑक्शन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से करेंट ऑक्शन में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, करेंट ऑक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कौन से कॉइन जो है चल रहे हैं, कितने प्राइस में जो है इस कॉइन की वैल्यू चल रही है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं करेंट ऑक्शन कहाँ कहाँ चल रहा है, तो ये करेंट ऑक्शन जो है ये चल रहा है यहाँ पे, ये ऑक्शन हाउस है। ठीक है, लॉट व्यूइंग, यहाँ पे सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। ऑक्शन हाउस में 11 अगस्त 2018 को 6 बजे शाम को लगेगा, ठीक है, ऑक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्शन के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कॉइन्स की बात की जाए तो यहाँ पे बीड फॉर्म ये सब सब कुछ दिख जाता है आपको। ठीक है, अवॉर्ड अस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अवॉर्ड अस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है कंपनी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करके मैं कंपनी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो ये कंपनी 1984 से जो है काम कर रही है और 1987 में जो है अपना फर्स्ट दुकान खोला था अहमदाबाद में, जो ये दुकान यहाँ पे है। साथ ही इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरीफाई कर दिया है, तो ये पहली कंपनी है जिसे इंडिया में जिसे पुराने नोट और सिक्के के लिए सरकारी मान्यता मिली हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आप इसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस नंबर पे जो है कुछ नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे तीन टाइप के नंबर दिए गए हैं, ये टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप जो है इस नंबर पे ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पहला आपको जो है कंपनी का ऑफिशियल ईमेल है info@classicnumismaticgallery.com, दूसरा जो ये वेबसाइट बनाए हैं जो इन कंपनी के मालिक है उसका ईमेल है शत्रुघ्न सवरंग सरावगी, तो यहाँ पे इनका ईमेल है। ठीक है, इस पर भी आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जीएसटी नंबर देख सकते हैं, इनका पैन नंबर, ये सारा कुछ आप इन्होंने अपना यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर एक बार फिर से देख लीजिए और नंबर नोट कर लीजिए और आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इनका जो लोकेशन है वो भी दिया गया है। तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा, और अगर आपके पास कोई पुराना नोट या सिक्का है तो आप उसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले कुछ दिन पहले लंदन कॉइन्स के बारे में बताया था, हालांकि वहाँ पे जो पुराने नोट की वैल्यू थी और सिक्कों की वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में नहीं बता पाया हूँ अभी तक। आशा करता हूँ कि अगर मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई मिलता है लंदन कॉइन्स के बारे में तो मैं आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार। ठीक है, अदर डे में आप कॉल ना करें या कभी भी किसी टाइम, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर है तो ये ऑफिस आवर में ही ये नंबर ओपन रहेगा। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसे हैं यहाँ पे जो जानना आपके लिए शायद ज़रूरी हो सकता है, वो ये है कि कोई भी जो आइटम है 100 साल अगर पुराना है तो उसे लोग विदेश नहीं ले जा सकते इंडिया से बिना जो है भारतीय सरकार के जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी अनुमति के बिना जो है वो उसे इंडिया से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे सब्सक्राइबर या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसका कोई नुकसान हो। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गोल्ड कॉइन है, ठीक है, तो उसे भी जब तक आपको पे नहीं किया जाता तब तक आप किसी को ना दें। ठीक है, साथ ही आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी को भी पे ना करें, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप मुझे 500 रुपया दीजिए ताकि मैं आपका कॉइन बिकवा सकूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि वो आदमी फ्रॉड हो सकता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।